सत्ता छोड़ लोगों की मदद की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा के मनोहर सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, ऑड इवन फॉर्मूले से खुलेगी दुकानें। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। और एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने पर रणदीप सुरजेवाला का वार, कहा देश को एक नाकाम नाकारा नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए 7 साल। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहां पर, मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी सरकार ने अहम फैसला ले लिया है कोरोना के कहर के बीच, कोरोना के कहर के चलते बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। कोरोना से कई पत्रकारों ने जान गंवाई है और इन्हीं पत्रकारों ने जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिजनों को अब सरकार आर्थिक मदद देगी। बड़ी और अहम खबर, पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। एक बार फिर से बड़ा फैसला, परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की ये बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। कोरोना से कई पत्रकारों की जान गई है, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान और इसकी घोषणा योगी सरकार ने की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए ये घोषणा की है। लगातार कयासों का दौर भी यहाँ पर तेज था कि किस तरह से परिजन जो है वो किस तरह से अपना जो आगामी है उनकी जिंदगी है उसको किस तरह से व्यतीत करेंगे, और इसी बीच अब बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। परिजनों को राहत देते हुए पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता अब योगी सरकार देगी और 10-10 लाख रुपए हर पत्रकार के परिजन को दिए जाएंगे। जितने भी पत्रकार कोरोना की चपेट में आकर जिनकी मौत हुई है, कोरोना से अपनी जान जिन्होंने गंवाई है, उनको ये मुआवजा दिया जाएगा, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला ले लिया है। लगातार योगी सरकार कोरोना के आंकड़ों को कम करने में तो आतुर है ही, लेकिन इस बीच पत्रकारों के लिए एक बड़ा सवाल, बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। जो लगातार सवाल उठ रहे थे उन पर विराम लगाते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को बड़ी राहत योगी सरकार ने दी है। ये फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है। पत्रकारों के परिजनों को सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी, आर्थिक सहायता पत्रकारों के परिजनों को यहाँ पर दी जाएगी। बता दें कि कोरोना काल में कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है कोरोना के चलते। लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स कहलाने वाले पत्रकारों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई थी। चलिए इसी खबर पर अनुज कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है और काफी अहम ये फैसला है, पत्रकारों के परिजनों को ये मुआवजा और आर्थिक मदद योगी सरकार देने जा रही है। पत्रकारिता दिवस के मौके पर आज प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार ने ऐसे पत्रकारों को घोषणा की जिनका कोरोना काल के दौरान बीमारी से निधन हो गया था, उनको परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूचना विभाग ने ऐसे पत्रकारों का आंकड़े अब जुटा भी लिए हैं। हालांकि दरअसल ये कोरोना काल में कवरेज के दौरान कई पत्रकार संक्रमित हो गए थे और कई उसके कारण उनके निधन हो गए थे। तमाम कई दिनों से ये बातें उनके सामने रखी जा रही थी कि आखिर उनके पत्रकार के साथ जो जिस तरह की कोरोना संक्रमण होने से निधन हो गए, उनके परिवारों पर आर्थिक संकट की घड़ी आके खड़ी हो गई है, तो ऐसे में उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग देना चाहिए। तो यही उसी को देखते हुए आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ उनके भरण पोषण की भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सूचना विभाग को निर्देश दिए हैं कि उसको किसी भी कीमत पे देखी जाए। और इसके साथ ही जो भी आने वाले समय में जो भी पत्रकार इस तरह की जगह घटनाएं घटती हैं संक्रमित होने पर, योगी सरकार के इस फैसले पर पत्रकारों के परिजनों का क्या रुख है, वो किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं?
सरकार के जो परिजन है उनको सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं और उनको इस बात का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि उनके बच्चों की जो देखरेख थी सरकारी ने स्कूल में पढ़ाने के साथ 4,000 रुपये प्रतिमाह भी देगी, कॉलेज में पढ़ रहे व्यवसाय शिक्षा ले रहे उनको बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाएगा और शादी के लिए जो 1,01,000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। इन तमाम तरह के घोषणा की गई है और ये एक अच्छे और सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर पत्रकार जो है जो कि उनको लगता था कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी हो रही है वो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार में उनकी भी अब पूछ और देख रखी आएगी। ये जो पत्रकारों पर फैसला लिया है योगी सरकार ने, फिलहाल जो मृतक पत्रकार है उनके लिए ये फैसला है, लेकिन फिलहाल जो फ्रंटलाइन वर्कर में अभी काम कर रहे हैं पत्रकार, क्या उनके लिए भी कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है? अभी फिलहाल जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और जो फ्रीलांसर पत्रकार हैं जिनकी अभी सूचना विभाग में जो की रजिस्टर है अभी फिलहाल उन्हीं के लिए देखा जा रहा। फिलहाल ये भी बात सामने निकल आ रही जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार उनके लिए भी सरकार ने कई सारी एक नॉर्म बनाए हैं। अब देखने वाली बात होगी, फिलहाल तो अभी केवल पत्रकारों के लिए ही 10,00,000 रुपए। जी ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 51 मौतों के बाद भी प्रशासन की तरफ से सिर्फ 25 मौतों की ही पुष्टि हुई है। बता दें कि शुक्रवार को अलीगढ़ के करसुआ गांव में जहरीली शराब पीने के बाद मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन मौतों का आंकड़ा कम बता रहा है। वहीं 50,000 के इनामी फरार चल रहे ठेकेदार का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें मुख्य आरोपी की पत्नी भी शामिल है। वहीं लापरवाही के आरोप में कई अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। शनिवार रात तक 51 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया था। लगातार शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं गांव वालों का कहना है कि बिना पोस्टमार्टम के ही कई मृतकों का अंतिम संस्कार भी किया गया है। एक दर्जन से ज्यादा लोग अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। तो लगातार मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ इस तरह से लापरवाही का जो यह आलम देखने को मिला है यूपी में, वहां पर प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। 51 लोगों की फिलहाल जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते सिर्फ और सिर्फ 25 ही मौतों की पुष्टि फिलहाल प्रशासन ने की है। अलीगढ़ के करसुआ गांव का यह मामला है जहां पर जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये मौतें होती नजर आ रही है। तो इसी खबर पर संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरह से जहरीली शराब का ये मामला सामने आया है, फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या बड़ा कारण है कि अभी 51 मौतों के बाद भी सिर्फ 25 मौतों की पुष्टि हो पाई है? देखिए, अलीगढ़ में जहरीली शराब का जो मामला है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि अब आंकड़ा 50 के आसपास चला गया है। हालांकि कुछ बॉडीज है उनकी पोस्टमार्टम होना बाकी है क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पा रहा है कि आखिर वो जो डेथ हुई है उनके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कुछ तो ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिनकी मतलब शराब पीने से भी नहीं हुए, कुछ लोग बता रहे हैं कि वो जहरीली शराब पीने से हुई है। तो अब जब जहरीली शराब को लेकर सरकार एकदम सतर्क हो चुकी है, काफी जगह छापेमारी मारी जा रही है, 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, 2 आरोपी फरार है जिसका 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। हालांकि उसके मालिक को, संचालक और प्रबंधन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके एक और दूसरी ओर पूरे जिले में यानी अब योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिया है। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर रुख करेंगे। सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 7 जून तक राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और डिवन फॉर्मूले से ये दुकानें भी खुलती नजर आएंगी। अब हरियाणा में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दुकानें खुल सकती है। हालांकि पहले जो समय था वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का था, लेकिन अब समय को भी बढ़ा दिया गया है। दुकानदारों की लगातार ये मांग थी कि
10 बजे से पहले कोई भी ग्राहक नहीं आता है, इसलिए 9 से समय को बढ़ाकर रात 8 बजे तक किया जाए। हालांकि सरकार ने पूर्ण रूप से उनकी मांगे नहीं मानी है, पूर्ण रूप से व्यापारियों की मांगों पर लेकिन चिंतन जरूर किया है और 9 बजे से 3 बजे तक का समय कर दिया है व्यापारियों की मांगों को देखते हुए। लेकिन ओ-D1 फॉर्मूले से ही फिलहाल भी दुकानें खुलेंगी। और सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। 7 जून तक अब पाबंदियां हरियाणा में जारी रहेंगी। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हरियाणा में फिलहाल 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उसको फिर से दोबारा एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खुला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा, ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी, ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चल। पर अंकुर कपूर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है, लेकिन क्या अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कोई फैसला सरकार का है या कोई सोच सरकार की? जी बिल्कुल, जैसा कि देश में अगर हम बात करें, हर जो कह सकते हैं कि हर जो स्टेट है वहां पर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर अब हरियाणा में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा है उसको लेकर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उन्होंने भी बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 7 जून तक यानी कि अगले एक और हफ्ते तक पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन जो दुकानों के खुलने का समय है वो इस बार चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जो समय दिया गया था 7 से 12 वो बिल्कुल दुकानों वालों, दुकानदार और जितने भी आसपास के और एरिया के लोग थे, तो उन्होंने सभी ने रोष जताया था, ज्ञापन दिए डीसी को, उपायुक्त को, विधायकों को। जो व्यापारी वर्ग है वो लगातार कोशिशें कर रहे थे और अपील भी कर रहे थे सरकार से कि जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम 7 या 8 बजे तक का होना चाहिए। हालांकि उनकी मांगों पर चिंतन जरूर है लेकिन 9 से 3 का समय किया गया है। अब व्यापारी क्या कोई और मांग कर रहे हैं या वो इस फैसले से संतुष्ट है फिलहाल? बिल्कुल, अभी तक जो पिछले लॉकडाउन में जो इन्होंने 7 से 12 का समय दिया था उसको लेकर जो व्यापारी वर्ग था वो काफी नाराज नजर आ रहा था, लेकिन अब जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा है उन्होंने एक नई गाइडलाइन जारी की है, इसलिए दुकानों के जो खुलने का समय है उसमें परिवर्तन किया गया है। जो दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, यानी कि ऑड इन फार्मूला जो अगले एक हफ्ते तक लागू रहेगा, और प्रदेश के जितने भी सभी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो 30 जून तक बंद रहेंगे, और जो सीमित संख्या के साथ। अंकुर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब एक बार फिर तीरथ सिंह रावत अपने ऐसे ही बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी जुबान फिसल गई है और उन्होंने दावा कर दिया कि उत्तराखंड में आजादी के बाद कभी भी चीनी नहीं दी गई है। दरअसल शुक्रवार को ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मीटिंग में चीनी देने का फैसला लिया था। इसके तहत 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त में 2 किलो चीनी हर कार्ड पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। अपने इसी फैसले का गुणगान करते हुए उनकी जुबान फिसल गई। शनिवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम रावत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि चीनी कभी मिली ही नहीं, जब से देश आजाद हुआ है दुख में, कष्ट में, आपदा में कभी भी चीनी नहीं मिली है। हम चीनी 3 महीने के लिए फ्री मुफ्त में दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में ये फैसला किया है। कोरोना संकट की भयावहता को देखते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं, लेकिन फिरोजाबाद के कई सरकारी विभाग ऐसे भी हैं जहां कर्मचारियों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, तो वहां के जिलाधिकारी ने अब एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान के अनुसार 3 दिन में टीकाकरण का प्रमाण पत्र जमा करवाओ, वरना सैलरी नहीं दी जाएगी। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह की ये सूचना मिली थी तो कई विभाग
ऐसे थे जिनमें कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया था। इसको लेकर डीएम ने अब एक आदेश जारी कर दिया है। जिस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है उसको मई महीने तक का वेतन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के अनुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर प्रभा शंकर ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी कर्मचारी अपना कोविड प्रमाण पत्र 3 दिन के अंदर जमा कराएं और इस लेटर के जारी होते ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है और वैक्सीन लगवाने पहुंचे जो जितने भी कर्मचारी हैं सभियों ने वैक्सीन लगवा ली है। जब इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने आदेश दिया है जिन कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी के बीच बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में एमआईएससी के कुल 177 मामले सामने आए हैं। इनमें से 109 अकेले राजधानी में ही दर्ज किए गए हैं जबकि 68 अन्य केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि कोरोना को मात देने वाले बच्चों में यह तकलीफ ज्यादा मिल रही है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की पीडियाट्रिक केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीथा जोशी का कहना है कि ये सिंड्रोम कोरोना के गंभीर संक्रमण की चपेट में आने की वजह से होता है। बच्चे के संक्रमण से ठीक होने के 2 से 6 सप्ताह के बीच में उन्हें ऐसी तकलीफ देखने को मिलती है। अनुमान है कि बच्चों में संक्रमण के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक सक्रिय हो जाती है। इस कारण बच्चों को स्वस्थ होने के बाद इस तकलीफ से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर प्रीता का कहना था कि MIS की चपेट में आने वाले बच्चों के शरीर के मुख्य अंगों को नुकसान होता है। इसमें फेफड़ों के साथ हृदय, किडनी, पाचन तंत्र, मस्तिष्क, रक्त वाहिकाएं, त्वचा और आंख को नुकसान संभव है। इसके कारण शरीर में सूजन के कारण उत्तक भी खराब हो जाते हैं। कोरोना को मात देने के बाद बच्चों को 2 से 6 सप्ताह के बीच शरीर में सूजन, आंत, हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, किडनी संबंधी कोई भी लक्षण है तो सतर्क हो जाएं। इससे थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉट की तकलीफ भी हो सकती है। हृदय और किडनी के काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इस कारण बच्चों में तकलीफें बढ़ रही हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अब लोग ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस नाम सुनकर परेशान हैं। कई जिलों के बाद अब इस बीमारी ने गया जिले में भी दस्तक दे दी है। गया में ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। जिस मरीज को संदिग्ध पाया गया उसे ANMMCH के ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती कराया गया है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ENT विभाग में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए विशेष तैयारी की गई है। इसके लिए डॉक्टरों की विशेष टीम भी बनाई गई है। अन्य सुविधाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है। बता दें कि संदिग्ध मरीज गया जिले के मानपुर प्रखंड के अमरा गांव का रहने वाला है जिसकी उम्र 48 साल है। एक सप्ताह से आंख में समस्या थी। निजी क्लिनिक में उसका इलाज हो रहा था। स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने इस अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं जांच में पता चला कि उसे डायबिटीज भी है और उसे पहले से भी इसकी जानकारी नहीं थी। MP के उज्जैन में बीते दिन एक मामला सामने आया था जिसमें मसूदीरापुर स्थित मानव एंटरप्राइजेस के मालिक द्वारा इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही थी। मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं आज जिला प्रशासन की टीम ने माधव एंटरप्राइजेस को सील भी कर दिया है और इस दौरान उज्जैन ड्रग अधिकारी धर्मवीर सिंह कुशवाहा और कोतवाली थाना प्रभारी ने दुकान को सील किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कल जो सूचना मिली थी उसके आधार पर जो दबिश दी गई थी उसमें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो है वो कुछ संख्या में पकड़े गए थे और उनको बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था। UP से लाना उसका बताया जाता था। तो कल FIR दर्ज हुई थी। आज हमारे द्वारा उनको 6 महीने के लिए जो एक रासुका जैसी कार्रवाई होती है ब्लैक मार्केटिंग वाली उसमें भी निरुद्ध करके भेजा जा रहा है। साथ में आज हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं और उनको लाइसेंस भी पूरी तरीके से निरस्त करेंगे क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पूरा समाज जो है पूरा देश जो है महामारी से लड़ने में लगा हुआ है अगर इस प्रकार की स्थिति। झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य औषधियां क्षेत्र की जनता के लिए मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा के माध्यम से सौंपे हैं। सांसद अनुराग शर्मा द्वारा ललितपुर में जल्द ही RT-PCR लैब स्थापित करने की मांग मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से रखी गई है। साथ ही ललितपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन, सिटी स्कैन, बच्चों के लिए चाइल्ड केयर वार्ड की मांग भी की गई है जिससे मरीजों को झांसी तक न आना पड़े।
इससे पहले भी सांसद अनुराग शर्मा ने झांसी और ललितपुर की जनता के लिए 1,26,62,445 रुपए की राहत सामग्री अपनी व्यक्तिगत निधि से प्रदान की है। तो वहीं इस मौके पर मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, DIG जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी अन्नावी दिनेश कुमार मौजूद रहे थे। अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब तक प्लांट भी लगेंगे एक या दो, पर फिर भी क्षेत्रफल बहुत दूर है, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, नारायण से आएंगे, मडावरा में है, बिरदा है, बार है, जाखलौन है, जखोरा है, बहुत दूर दूर जगह है वहाँ। क्योंकि अक्सर मैं गांव में जाता रहता हूँ तो खुद ही एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा लगता है। अगर मदनपुर की हम बात करें तो मदनपुर तो मेरे को 2.5 घंटा लग जाता है ललितपुर से पहुँचने में। मदनपुर वाले तो अक्सर बेचारे, क्योंकि जिले में पूरी व्यवस्था नहीं होती तो दूसरे मध्य प्रदेश में जाते, इसलिए ये व्यवस्थाओं को देखते हुए कोशिश यही कर रहे हैं कि ललितपुर अगली वेव के लिए हम तैयार करें और ललितपुर के लोगों को वहाँ पे पूरी की पूरा मेडिकल का ट्रीटमेंट जो उनका है वो वहीं पे हो जाए। इसलिए अभी हमारे पास क्योंकि चालू नहीं हो पाए थे, पर इस बार DM साहब ने बहुत मेहनत करी, हमारे वहाँ के CMO साहब भी लगे रहे गर्ग साहब। तो यूपी के हापुड़ से एक मामला सामने आया है जहां तैनात एक अधिशासी अधिकारी के रवैये से परेशान जनता अब असहज और असहाय हो चुकी है। आरोप है कि ये अधिकारी ना तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं और ना ही इनके पास अपने ऑफिस टाइम पर आने का समय है, जिसको लेकर क्षेत्र के कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर बाबूगढ़ के नगर पंचायत पर इकट्ठा हुए और जमकर अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि अधिशासी अधिकारी नमिता चौधरी पर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा है कि वो संक्रमण के समय में भी ना तो क्षेत्र की साफ सफाई पर ध्यान दे रही हैं और ना ही इनका ध्यान क्षेत्र में फैलते संक्रमण की ओर है और ना ही इसके रोकथाम के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि बीते 3 महीनों में अब तक भी हापुड़ के ग्रामीण क्षेत्र बाबूगढ़ में ना तो सैनिटाइजेशन हो पाया है और ना ही बढ़ते गंदगी के अंबार से पैदा होने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए फोगिंग की व्यवस्था है, जिसको लेकर आज लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की और अपनी अपनी समस्या को लेकर लोगों ने अधिशासी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है। दस बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, पर मैडम का आने का कोई टाइम नहीं होता। कभी 12 बजे आती है, कभी 1 बजे, अपनी मर्जी का। तो आज आप अब दोबारा से आए हैं तो इस समय क्या टाइम हो रहा है? 11 बजने वाले हैं, अभी तक मैडम नहीं आई है। हम दूर दूर से आते हैं अपनी समस्या लेकर, हम ये सोचते हैं हमारी समस्या का समाधान होएगा, पर हमें पता लगता है कि हमारा अधिकारी अभी तक नहीं आया। कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे हम घर से नहीं निकलते, फिर भी हम अपनी जान तक खेल के आते हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी हमें पता लगता है कि अभी तक अधिकारी नहीं आया। तो अभी तक कितने दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पर? हम आते रहते हैं, मतलब तो मुलाकात हो पाई है मैडम से? मुलाकात क्या हो पाती है, मैडम जी आती है, वो आके बाहर से बाहर अपना कार्य देख कर चली जाती है, अंदर मिलने का टाइम नहीं मिलता उनसे। हमने एक तो नल की समस्या करी, उनका नल में हमारे झोल का पानी आ रहा, टंकी आती नहीं है और हम नल पर पानी पीवा तो पीला पानी आ रहा, बिल्कुल बदबू का पानी। हमने कहा कि तुमने हमें गाय दी इसमें से टोन में से दिलवाई, उसके 900 रुपये महीना के बांधे थे, उन्होंने 900 रुपये भी ना दिए। उसके बाद में फिर मैंने कहा इसको बांधने को जगह दो थोड़ी बहुत छप्पर उप्पर गिरने के लिए, तो उसको भी हटवा दे, क्या जुर्माना हो जाएगा जो यहाँ सड़क पर तुमने झोड़ पर वो बांध दिया। अभी आप साहब के पास गए थे, क्या क्या उन्होंने कहा कि दूसरे हथकंडे भी आते हैं मुझ पर जो तेज आवाज में बोली, तो हमने कहा दूसरे हथकंडे क्या आते हैं बताओ हमें जो तुम्हारे हथकंडे आते हैं। हरियाणा के अंबाला में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और जियो गीता परिवार की ओर से स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कर्मियों को स्वास्थ्य किट देकर सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, मीडिया और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि श्री कृष्ण कृपा गीता संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेंट किए गए हैं। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों के सेवा भाव की सराहना भी की गई है। श्री ज्ञानानंद महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवादी हैं और ऋणी हैं, तक उन्होंने अपने प्रवचनों से और अमृतवाणी से आज जो संदेश दिया है, जो उन्होंने जो सम्मान दिया है, अभी वो कोविड के मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा, जीवन दायिनी साबित होगा। मैं पूरी की पूरी जियो गीता परिवार को तक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तक इस टाइम पर जो वे सेवा कर रहे हैं, तक वो अभी किसी भी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है। 5 कंसंट्रेटर भी दिए गए हैं।
यूपी के मथुरा में अधिवक्ता युवती के साथ बलात्कार को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी लॉ प्रोफेसर डीडी चौहान एडवोकेट को आखिरकार थाना हाईवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश भी किया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने बीते दिनों आरोपी की गिरफ्तारी न होने से आहत होकर एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जिसके बाद ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां मोदीनगर से एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल वायरल वीडियो में एक युवक कार में सवार होकर हाथ में हुक्का लिए स्टंट करते दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, युवक दिल्ली मेरठ हाईवे पर स्थित गोविंदपुरी पुलिस चौकी के सामने कार को रोकता है और हाथ में हुक्का लेकर धुआं भी छोड़ता है। वीडियो देख लगता है कि मानो युवक पुलिस को चुनौती दे रहा है। ये वीडियो जैसे ही युवक ने सोशल मीडिया पर डाला तो वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसे देखते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच की तो वहां पर युवक के हथियार के साथ भी कई वीडियोस मिली हैं। पुलिस ने देर शाम युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद के गांव समैन का एक युवक टोहाना के फतेहाबाद नहर में पानी में जब पीने उतरा था, लेकिन पांव फिसलने से वो पानी में गिर गया। इस वजह से उसकी फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। तब से आज तक उसकी तलाश जारी है और सैकड़ों लोग तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक नहर में गिरे युवक का कुछ पता नहीं लगा है। वहीं गांव के लोगों ने युवक के परिजनों के साथ मिलकर प्रशासन पर बेरुखी और लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान गाँव वासियों ने टोहाना के हिसार चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया। जाम लगने के बाद कुछ ही देर में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आंदोलनकारियों से बात करके जाम को हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे जवाब से आंदोलनकारी संतुष्ट नजर नहीं आए। उनका सीधा सीधा सवाल है कि अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के परिवार से कोई व्यक्ति नहर में गिरा होता तब भी क्या प्रशासन इसी तरह बेरुखी अपनाता। इस मामले में युवक के परिवार के लोगों का कहना है कि प्रशासन से उनकी बार बार बात भी हो रही है, मगर कोई संतोषजनक कार्रवाई उनकी तरफ से अमल में नहीं लाई जा रही, जिसकी वजह से उन्हें जाम लगाने पर मजबूर होना पड़ा। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं भाई, एक बार इस कम से कम इस नदी का ही लेवल को डाउन करा दे। मारे जो बच्चे हैं रात से 20 बच्चे हैं, इनके पांव अगर इनके पांव नीचे लगे ढूंढ तो लेंगे, बच्चा है कहाँ पे। हमने हमारे लेवल पे पिछड़ा में भी व्यवस्था की गई है और सदलाइट पे भी व्यवस्था की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद, ना कोई गोताखोर है ना कोई प्रशासन का आदमी है। मैंने प्रशासन से डीएसपी साहब से मैं 2 बार मिल चुका हूँ, अब एसडीओ इरिगेशन से मिल के आया हूँ, वो कहते हैं अगर एक्शन साहब चाहे तो नहर बिल्कुल बंद हो सकती है, तो फिर बंद हो सकती है तो एसडीओ नहीं कर सकता, एक्शन करा दे, मारा तो बच्चा गया हुआ है। तो इस घटना को कितनी देर होगी? कल 1 बजे करीब की हुई है सर, 1:45 पे 2 बजे मैंने सिटी थाना में एफआईआर दर्ज करा दी थी। प्रशासन एक बार आके मेरे परिवार के 10 बंदे आए थे, उन्हीं के नाम लिख के वापिस चले गए। मम तो ढूंढने के लिए खड़े हैं, प्रशासन भी तो कुछ करे। अभी प्रशासन आया है तो क्या बातचीत हुई? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं डीएसपी साहब से मिलने गया हूँ सुबह, मैंने उनको बोला सर कोई बंदा तो भेज दो, मेरा कोई और बंदा गिर गया। प्रशासन अब आया जी, इसके बाद में इरिगेशन के एसडीओ से मिल के आया हूँ, वो कहता अगर एक्शन चाहे तो बिल्कुल नहीं बंद हो सकती। क्या ये मामला हुआ सारा? ये मामला जी कल 12:30 बजे मामला हुआ था जी। ये लड़का जी मेरा भैणजा जी, ताऊ की लड़की का लड़का है ये जी। पानी पीने के लिए पानी नीचे झुक गया था, उसके झुकने के वजह पैर तिसल गया उसका, उसके पैर तिसल से वो मर गया जी। उसके जो साथ लड़का था जी वो बचाव की कोशिश करने लगे जी, वो भी घबरा गया, जो रुक के रख के मारे इतना बच्चा गुम हो गया जी। पूरा परा देखा कोई मिलना जी, पानी ज्यादा बहाव है जी, पब्लिक डरती है इस वजह से जाने नीचे जाती। हमने तो प्रशासन से बात करी जी, प्रशासन बोले एक्शन जे हिसाब से बात करी जी, वीडियो साहब से एसडीओ साहब से करो बात, एसडीसी साहब से बोले एक्शन से करो बात, एक्शन बोलता जी देखें क्या करेंगे, ऐसे वैसे करें जी। कल 22 घंटे हो गए जी प्रशासन यहाँ, हमने 10 मिनट हो गया जी कुल, प्रशासन 10 मिनट हो गया जब सड़क जाम करी है, अभी प्रशासन आ गया 22-23 घंटे। अगर कोई तकड़ा रही सी आदमी किसी का लड़का होता तो अब लड़का लड़का लिख रहा था, ये गरीब परिवार से लड़का जी, इस करके कोई गौर नहीं करा जी। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारी नहीं गौर करता पानी कम होना। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।